जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर महागठबंधन के हर नेता मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बाद अब सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर मीडिया के सामने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा कि अरे ये एक सामान्य बैठक है, हर साल एक बार में ऐसा होता है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं इस पर मीटिंग करने के लिए, इसमें कुछ खास नहीं होने जा रहा। आपको बता दें कि बिहार में नए राजनीतिक समीकरण को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है। विरोधी इन्हें सच मान रहे हैं जबकि महागठबंधन इन्हें अफवाह बता रहा है। आम लोग भ्रम में हैं। उम्मीद की जा रही है कि सच या अफवाह से उत्पन्न भ्रम का निवारण शुक्रवार को हो जाएगा। नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के अलावा जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक और परिषद कार्यकारिणी के सदस्य जुट रहे हैं। तो इस मीटिंग को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अभी तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया, तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग क्या लाला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? बोल दिया। कैबिनेट ने हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है, तो उसपे क्या कहना है हम लोगों को, उसपे तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई, कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे, तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है? अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है, हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? काल कटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है।